कौन बनता है भूत, कैसे रहे भूतों से सुरक्षित जिसका कोई वर्तमान न हो, केवल अतीत ही हो वही भूत कहलाता है। अतीत में अटका आत्मा भूत बन जाता है। जीवन न अतीत है और न भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के तीन स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती हैं और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकिनी, दाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। भूतों के प्रकार, हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल। उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे दायन या दाकिनी करते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्याभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। 84 लाख योनियां, पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। पितृ पक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आता है। अतृप्त आत्माएं बनती है भूत। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। यम नाम की वायु, वेद अनुसार मृत्युकाल में यम नामक वायु में कुछ काल तक आत्मा स्थिर रहने के बाद पुनः गर्भ धारण करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह गहरी सुषुप्ति अवस्था में होती है। जन्म से पूर्व भी वह इसी अवस्था में ही रहती है। जो आत्मा ज्यादा स्मृतिवान या ध्यानी है उसे ही अपने मरने का ज्ञान होता है और वही भूत बनती है। जन्म मरण का चक्र, जिस तरह सुषुप्ति से स्वप्न और स्वप्न से आत्मा जागृति में जाती है उसी तरह मृत्युकाल में वह जागृति से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति में चली जाती है, फिर सुषुप्ति से गहन सुषुप्ति में। ये चक्र चलता रहता है। भूत की भावना, भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है। इन्हें प्यास भी अधिक लगती है लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होते हैं। ये हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। भूत की स्थिति, ज्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से ये दूर रहते हैं। इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है और 13, 14 तथा अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा है या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। भूत की ताकत, भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधलके तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। ये किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं।
इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। ये भी कि यह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ठोस पर न होने के कारण ही भूत को यदि गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। भूत में सुखदायक अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके बाह्यकरण में वायु तथा आकाश और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है, इसलिए वह केवल सुखदायक का ही अनुभव कर सकते हैं। अच्छी और बुरी आत्मा, वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण मृतात्माओं को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहाँ अच्छी मृतात्माओं का वास होता है उसे पितृलोक तथा बुरी आत्मा का वास होता है उसे प्रेतलोक आदि कहते हैं। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती है जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती है जो कुकर्मी, अधर्मी, वासना में जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिस मानसिकता, प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्म आदि के लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांशतः लोगों को इसका पता नहीं चल पाता। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती है और बुरी आत्माएं बुरे कर्म वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए और प्रेरित करती है। इसलिए धर्म अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना जरूरी है, तभी आप दोनों ही प्रकार की आत्मा से बचे रहेंगे। कौन बनता है भूत का शिकार? धर्म के नियम अनुसार जो लोग तिथि और पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म में ही सदारत रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ सकते हैं। इनमें से कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचारी है वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेतियों के होते हैं। हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय ये कि गले में ओम या रुद्राक्ष का लाकेट पहने सदा हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब न पिए और न ही मांस का सेवन करें। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं। हाथ में मौलिक नारा अवश्य बांध कर रखें। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान पर कपूर और लौंग जला दें। इससे आकस्मिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़ कर उसे ऐसा धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती।